देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपका फाइनेंशियल एडवाइजरी और इंश्योरेंस एडवाइजरी का बिजनेस कंसिस्टेंट ग्रो करने लगेगा, लगातार आपके बिजनेस में ग्रोथ होती रहेगी। चलिए ये 6 चीज़ें आपको बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आप वाकई में अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को लगातार ग्रो करना चाहते हैं। देखिए भारत देश में करीबन 20 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं। अगर मैं इन 20 लाख इंश्योरेंस एजेंट से जाकर प्रश्न करूं कि क्या आप वाकई में अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस को लगातार ग्रो करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए इन 20 लाख फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योरेंस एडवाइजर का जवाब यही होगा कि जी हाँ, मैं अपने एडवाइजरी के बिजनेस को लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहता हूं। देखिए इच्छा तो सबकी है, लेकिन फिर भी क्यों सिर्फ 300 एडवाइजर ही ऐसे हैं जो कि कॉरपोरेट क्लब लेवल के बिजनेस को मेंटेन करते हैं? ऐसा ये क्या करते हैं कि सिर्फ इन 300 लोगों का बिजनेस लगातार कंसिस्टेंटली कॉर्पोरेट क्लब लेवल पर है और बाकी के इतने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल तक नहीं पहुंच रहा है? ये जो 300 लोग हैं, ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वही 6 चीजें लगातार कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका बिजनेस भी लगातार ग्रो करते जा रहा है। वही 6 चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए अब मैं इन 6 रिक्वायर्ड चीजों पर आता हूं जो कि आपके बिजनेस को लगातार ग्रो करने में बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज किसी भी बिजनेस में या आपके फाइनेंशियल एडवाइजरी इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस में आपको एक मेंटर, एक कोच, एक गुरु की जरूरत है, क्योंकि आपका मेंटर, आपका कोच, आपका गुरु आपको एक डायरेक्शन देता है, एक सही डायरेक्शन देता है। और देखिए अगर आपके पास में एक सही डायरेक्शन नहीं है, आप एक सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, आपके पास में कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना है, वो आपके किसी भी काम का नहीं है। आपका कोच, आपका मेंटर, आपका गुरु आपको एक सही डायरेक्शन देता है और उस डायरेक्शन में लंबे समय तक आपको रखने का काम करता है। दूसरी चीज, आपको लगातार ज्ञान को अर्जित करते रहना है, आपको लर्निंग मोड में रहना है। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को सीखते रहना पड़ेगा, लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा। फिर चाहे वो बिजनेस स्ट्रेटजीज क्यों ना हो, फिर चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रिक ना हो, फिर चाहे वो बिजनेस की कोई भी चीज क्यों ना हो, आपको हर वक्त लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा। नंबर थ्री है, आपके पास में एक जबरदस्त प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आनी चाहिए। लोगों को पसंद नहीं आएगी तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजी आपके किसी काम की नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रैटेजी लोगों को पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास में लगातार जुड़ते रहेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और लंबे समय तक आप जो है अपने बिजनेस को लगातार ग्रो करते रहेंगे। चौथी चीज है, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, आपको अपने कंपनी की ब्रांडिंग करनी है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, वीडियो के द्वारा। आपको बार बार वीडियोस बनाते रहना है, एडवर्टाइजमेंट करते रहना है, अपनी ब्रांडिंग करते रहना है, अपने कंपनी की ब्रांडिंग करते रहना है, ताकि आप लोगों के दिमाग में बने रहो। देखिए अपनी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अगर आप लोगों के दिमाग में बने रहते हैं तो इसका फायदा यह होगा कि जब कभी भी लोगों को इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस की जरूरत होगी या आपके पास में जो प्रोडक्ट है उसकी जरूरत होगी तो सबसे पहले आप ही उनके दिमाग में आओगे और चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो उनको जो जरूरत है उसकी डीलिंग वो आपके साथ में ही करेंगे। पांचवी चीज है कि आपको अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ, अपनी फील्ड के अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ में आपको नेटवर्किंग करनी है। आपसे कम से कम 10 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ आपको नेटवर्किंग करनी है और ये क्रिया आपको साल में कम से कम आपको 2 बार करनी है। देखिए जब आप अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं तो आपका विजन जो है वो बड़ा हो जाता है, आपका विजन जो है वो क्लियर हो जाता है, आपको उनसे एक ऊर्जा मिलती है और ये जो ऊर्जा आपको मिलती है ये ऊर्जा आपको अपने गोल की तरफ जाने में बहुत
ज़्यादा मदद करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको अपनी फील्ड के अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ में आपको कंपटीशन की भावना रखनी है। आपके अंदर की जो कंपटीशन की भावना है, ये इमोशन आपको 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना ऊर्जा देते हैं। एक ऐसी ऊर्जा आपको मिलती है जिसकी मदद से आपका जो गोल है उस गोल की तरफ तेजी से जाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। देखिए, ये 6 चीज़ें जब मैं आपको बता रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ लोग आ रहे थे। मेरे दिमाग में पंजाब के मिस्टर हरीश अरोरा आ रहे थे, मेरे दिमाग में दिल्ली के मिस्टर अतुल जैन आ रहे थे, मेरे दिमाग में मुंबई के मिस्टर आर के शेट्टी आ रहे थे, मेरे दिमाग में कलकत्ता के मिस्टर भीमन दास आ रहे थे। यू नो, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हर साल कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनते हैं और हर साल लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ये हर साल कर रहे हैं। तो ऐसा ये क्या कर रहे हैं? देखिए मेरे दोस्तों, ये लोग यही 6 चीज़ों पर लगातार काम कर रहे हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इन्हीं 6 चीज़ों पर वो लगातार काम कर रहे हैं और ये लगातार ग्रो कर रहे हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई आज आपने जो 6 चीज़ें बताई, ये 6 चीज़ें तो सही हैं, इसको हम लॉजिकली एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेंटर तो हमें मिल जाएगा, लर्निंग का प्रोसेस भी हम कर लेंगे और कंपटीशन की भावना भी हम में आ जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट एडवर्टाइजिंग पर हम कैसे काम करें, प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी पर हम कैसे काम करें, और इसके अलावा हाई लेवल की नेटवर्किंग हम कैसे करें? देखिए दोस्तों, आपका जो प्रश्न है, आपके मन में ये जो प्रश्न उमड़ा है, ये प्रश्न जायज है, ये प्रश्न सही है, और आपके इस प्रश्न का उत्तर है BITV फिजिकल स्टडी सर्कल। BITV फिजिकल स्टडी सर्कल आपके प्रश्न का प्रिसाइज उत्तर है। BITV फिजिकल स्टडी सर्कल का ड्यूरेशन 10 महीने का है और इन 10 महीनों में हम हर हफ्ते जूम पर मिलते हैं, महीने में एक बार फिजिकली मिलते हैं और साल में 2 बार हम देश और विदेश में दुनिया के सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोगों के साथ में नेटवर्किंग करते हैं। इसके अलावा हम ये 10 महीने लगातार वीडियो मेकिंग पर काम करते रहते हैं और ये 10 महीने हम प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि 10 महीने का जो समय मैं बोल रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और इसीलिए हमने BITV फिजिकल स्टडी का 1 महीने का ट्रायल पैकेज निकाला है और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको ये 1 महीने का BITV फिजिकल स्टडी सर्कल का ट्रायल पैकेज ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, इन 1 महीने में हम 4 बार जूम पर मिलेंगे और इन 4 मीटिंग में हम आपको सिखाएंगे वीडियो का कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं और वीडियो कैमरे के आगे सक्सेसफुली, कैमरे के आगे बहुत कॉन्फिडेंट के साथ में हम कैसे बात कर सकते हैं, ये पूरी जर्नी हम आपको सिखाएंगे। कंटेंट बनाने से लेकर वीडियो कैमरे के आगे कॉन्फिडेंटली बात करने तक की चीज़ हम पूरी डिटेल में सिखाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसके अलावा हम कई सारी बिजनेस स्ट्रैटेजी पर चर्चा करते हैं और डिटेल में उन्हें इन 4 हफ्तों में सीखते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो BITV फिजिकल स्टडी सर्कल है, ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम हमने तैयार किया है, ये बहुत ही अलग तरीके का माहौल है। अगर तो आपने मन बना लिया है कि मुझे जो है कंसिस्टेंट ग्रो करनी है, मुझे लगातार ग्रो करते रहना है, तो आपको BITV फिजिकल स्टडी सर्कल का ये जो 1 महीने का ट्रायल पैकेज हमने बनाया है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। देखिए, ये जो 1 महीने का ट्रायल पैकेज है, इसमें हम कुछ लिमिटेड लोगों को ही एनरोल करते हैं। अगर तो आप इस ट्रायल पैकेज में आना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है जिसकी मदद से आप इस ट्रायल पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। चलिए, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और स्पेशल धन्यवाद मैं आपका इसलिए करूँगा क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।